हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। सो टुडे आई वोक अप एट नियरली 3 AM क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी एंड यूजुअली मैं अभी सुबह को जल्दी उठ रही हूँ बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी नियर और क्योंकि मैं 2 घंटे का नैप भी लेती हूँ दोपहर को, तो इस वजह से टाइम मैनेज हो जाता है और आई डोंट रियली फील मच एग्जॉस्टेड क्योंकि ब्रेक्स होते हैं स्टडी आवर्स के बीच बीच में एंड दोपहर को नैप भी ले लेती हूँ तो एनर्जी भी रिस्टोर हो जाती है। सो टुडे आई वोक अप बहुत जल्द, रात को 3 बजे। आई वॉज सपोज टू वेक अप एट नियरली 5 AM बट समहाउ आई वोक अप, सो आई जस्ट थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई स्टडी सेशंस। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना ली थी सो दैट आई कुड फोकस मोर इफेक्टिवली एंड उसके बाद आई हैड 2 सेशंस, 50-50 मिनट्स के सेशंस इन विच आई डिड माई रिविजन। उसके बाद ली थी थोड़ी सी ब्रेक जिसमें मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया बेसिकली एंड देन आई वॉज बैक अगेन और टुडे आई हैड टू कवर इकोनॉमिक्स क्योंकि इकोनॉमिक में मैं बहुत पीछे छूट रही हूँ और मुझे रिविजन भी स्टार्ट करनी है और ऊपर से तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी रहते थे जो कम्प्लीटली अनटच थे, सो मुझे उनको भी कम्प्लीट करना है विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो काफ़ी देर पढ़ने के बाद मुझे रात के बटन धोने थे और ये जो सिंक आप देख रहे हैं इट वॉज कम्प्लीटली फुल गाइज, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको बटन को धोने में क्योंकि रात को मैं बटन धोई ही नहीं थी तो सुबह को मैंने धो दिया अच्छे से। ये जो सिंक कम्प्लीटली फिल्ड अप था, इतना ज़्यादा बटन था बट समहाउ आई मैनेज्ड और मैंने सब कुछ धो दिया और आप ये देख सकते हैं दिस इज़ द न्यू एडिशन इन माय होम। तो मैंने ये फ़िल्टर मंगवाया क्योंकि इतने दिनों से बिस्लरी का बॉटल वाला पानी पी पी के ला ला के बहुत ही ज़्यादा टाइम एंड मनी कंज्यूम होता है, तो इट्स गोइंग टू सेव मच टाइम एंड मनी एज़ वेल। तो उसके बाद आई वाज जस्ट चेकिंग आउट माय स्किन और आप देख सकते हैं मेरे आँखों के नीचे इतने गड्ढे गड्ढे हो रखे एंड या वी नीड टू स्टे हाइड्रेटेड एज वेल, तो इस वजह से आई एम गोइंग टू ड्रिंक प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। तो आप लोग भी पानी पीते रहो क्योंकि अभी तो समर्स आ ही रहा है, दिस इज़ द प्री मानसून सीजन अभी और हमारे यहाँ पे तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, एकदम ठंड नहीं लगती है, तो इस वजह से पानी पीते रहना चाहिए। लास्ट कुछ दिनों से मेरे को ना इतना लेफ्ट किडनी साइड में पेन हो रहा था क्योंकि मैं पानी ही नहीं पी रही थी, पढ़ते पढ़ते ना मैं पानी पीना ही भूल जाती हूँ, मैं खाना खाना भूल जाती हूँ, तो ये मेरी बहुत ही गंदी हैबिट है। एंड आफ्टर दैट आई हैव टू चेक आउट सम टॉपिक्स फ्रॉम इकोनॉमी वाला पोर्शन एंड फॉर दैट रीज़न आई एम यूजिंग दिस बुक फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन क्योंकि नितिन सिंघानिया में बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है तो इतना ज़्यादा हमको चाहिए नहीं क्योंकि हम इकोनॉमी ऑप्शनल के लिए तो प्रिपेयर नहीं कर रहे। दैन फॉर दैट रीज़न आई एम यूजिंग दिस बुक कॉल्ड IAS अनिरुद्ध यादव नोट्स फॉर GS पेपर 3। इसमें GS पेपर 3 के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, यू कैन सी द सिलेबस हियर एंड द टॉपिक्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस बुक। सो दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ हैंड रिटन नोट्स ऑफ अनिरुद्ध यादव सर हु सिक्योर्ड 8th रैंक इन UPSC 2022 एंड हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज़ गिवन इन अ वेरी प्रिसाइज वे और यहाँ पे सारे फ्लो चार्ट्स एंड मैप्स दिए हुए एंड हियर यू कैन सी द हैंड रिटन पार्ट एज वेल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है तो ईजिली आप इसको पढ़ सकते हो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। दिस बुक कंप्राइज ऑफ इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, फिगर्स एंड मैप्स टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड दिस विल हेल्प यू टू अचीव टारगेटेड स्टडी अप्रोच एंश्योरिंग द कम्प्लीट सिलेबस कम्प्लीशन बिफोर द एग्जाम। सो यू गाइज कैन गो फॉर दिस बुक क्योंकि इसमें ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू GS पेपर 3 इज कवर्ड। यू कैन यूज दिस फॉर सिलेबस कम्प्लीशन एज वेल एज फॉर रिविजन, अगर आपका सब्जेक्ट फॉर GS पेपर 3 इज कम्प्लीट दैन यू कैन यूज इट फॉर रिविजन एज वेल क्योंकि इसमें जो जो रिक्वायर्ड टॉपिक्स है बस वही दिए हुए हैं क्योंकि दूसरे जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस फॉर रिविजन पर्पज एज वेल एज़ फॉर योर सिलेबस कम्प्लीशन अगर आप लोगों का भी नहीं हुआ है तो कुछ कुछ टॉपिक्स क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल द करंट अफेयर एस्पेक्ट्स इज ऑल्सो कवर्ड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस ईयर एग्जाम और द अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल। एंड यर दिस कम्स इन ए सेट ऑफ 4 बुक्स कम्प्राइजिंग ऑफ बुक 1 जिसमें GS पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, जोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, बुक 3 दैट इज फॉर GS पेपर 3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी और बुक 4 में दैट इज फॉर GS पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी भी इंक्लूडेड है। तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू परचेज दिस बुक्स यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन वेर आई प्रोवाइड ऑल द लिंक्स, सो यार डू चेक आउट। उसके बाद आई सेट फॉर अनदर सेशन और मैंने टाइमर भी लगा लिया था बट पता नहीं क्यों आज उस टाइम पे ना मुझसे बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू कंसेंट्रेट, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा था, तो मैं सोचा चलो भाई ऐसे पढ़ के तो कुछ प्रोडक्टिव स्टडी होने नहीं वाला है, तो मैं लैपटॉप बंद करके मैं सोने चली गई। 1 घंटा मैंने नैप लिया, फिर मैं उठ के नहा धो के आई वॉज बैक क्योंकि उसके बाद मेरा 2 घंटे का करंट अफेयर्स का क्लास था, तो मैंने क्लास करते हुए साइड बाय साइड मैंने जो मंथली मैगजीन था लास्ट मंथ का वो भी चेकआउट कर लिया, तो मैंने 2 काम एक साथ में हो गया क्योंकि सर जो बता रहे थे उनको भी मैं नोट डाउन कर रही थी और बीच बीच में मैं जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उनको भी चेकआउट कर रही थी, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में काफ़ी ज़्यादा जो करंट अफेयर्स लेफ्ट आउट था वो भी कवर हो गया था।
उसके बाद मुझे लंच बनाना था और मैं लंच बना के थोड़ी देर रेस्ट मैंने लिया था और उसके बाद इवनिंग हो चुका था। उसके बाद प्रेयर करने के बाद मुझे करना था एक और सेशन, क्योंकि मुझे फिर से आज जो मेरी इकोनॉमी के टारगेट थे मुझे कंप्लीट करने थे। तो मैंने पहले उनको नोट डाउन कर लिया क्या क्या कंप्लीट करने हैं, फिर मैंने पढ़े थे जो भी टॉपिक्स, तो मैंने उनको माइक्रो नोट्स बना लिए सो दैट इट विल बी इजियर फॉर मी टू रिवाइज देम लेटर। और माइक्रो टॉपिक्स बना बना के पढ़ते तो आपको पता भी चला कि कितने टॉपिक्स आपने कवर किए हुए, कितने बाकी है, और आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो। तो ऐसे करके मैंने 2-3 सेशंस इकोनॉमी के कर लिए थे सो दैट मेरे इकोनॉमी के जो टारगेट्स है वो कंप्लीट हो जाए आज के। तो आप ऐसे बहुत लोग मुझसे बुक लिस्ट मांगते रहते हो, दो एज अ फेलो एस्पिरेंट आई कैन हेल्प यू आउट, बट द थिंग इज दैट मैंने अभी तक मेरा फर्स्ट टर्म नहीं दिया तो मेरा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जो बुक लिस्ट होता है दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस वजह से जो बेसिक बुक लिस्ट दैट आई फॉलो आई कैन रिकमेंड यू दैट, बट एज पर योर नीड यू कैन डेफिनेटली चेंज इट, क्योंकि अभी जो रिसोर्सेज है वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज अभी बहुत सारे लोग नहीं फॉलो करते बिकॉज ऑफ द चेंज इन एग्जाम पैटर्न। तो मैं डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद मुझे थोड़ा चाय पीने का मन हुआ तो मैं चले गई किचन में भाग भाग के, और आई वॉज मेकिंग टी। तो मैं ये वाटर प्यूरीफायर का पानी से या चाय बनाऊंगी, ऑल्दो इट इज़ प्यूरीफाइड, फिर से उसको बॉयल करके और प्यूरीफाई कर देंगे। और ये मैंने बर्तन धो रखे इनको भी हटा लेते अपने साइड से और फिर हम चाय बनाएंगे। सो समटाइम्स आई फील रियली ओवरबर्डन विद ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स टुगेदर, क्योंकि आप जब लंच बनाते हो डिनर बनाते हो बहुत सारे यूटेंसिल्स रह जाते हैं उनको भी धोने पड़ते हैं। तो कभी इट्स लाइक अ वेरी बिग हेडक, बट समटाइम्स तो काम करके अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमेशा आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको खुद को भी ब्रेक चाहिए फॉर रिजुविनेशन। सो फॉर दैट रीज़न मैं तो इतना ज़्यादा बाहर जाती हूँ नहीं, तो मैं घर के काम करके खुद का टाइम पास कर लेती हूँ। और आजकल तो अमूल ताज़ा से ही चाय पीना पड़ रहा है, क्योंकि दूध वाले भैया को मैंने मना कर दिया ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स। तो आजकल हम अमूल ताज़ा वाला दूध ही पी रहे हैं। जब तक नए दूध वाले भैया नहीं मिलते तब तक तो इससे ही काम चलाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना अभी तक मैंने कोई दूध वाला देखा है नहीं। जब मिलेगा तभी हम नए वाला को लाने के लिए बोलेंगे। सो मैंने ये चाय बनाई और चाय इतनी अच्छी बनी थी, आप देख सकते हो, इट वॉज सो गुड। क्योंकि मैंने चाय में पानी बॉयल होने वाले पानी में ही थोड़ा सा दालचीनी एंड थोड़ा सा इलायची डाल दिया था, फिर मैंने चाय पत्ती को बॉयल करके दूध डाल दिया था, और चाय के साथ साथ खाएंगे बिस्किट एंड सम भुजिया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब भी घर जाती हूँ ना गाइस, तो मेरी मम्मी ना हमेशा इवनिंग की चाय मुझसे ही बनाती है। आई जस्ट होप कि मेरी मम्मी ये वीडियो ना देखे और उनको पता ना चले कि हाँ मैं अभी दूध वाली चाय भी अच्छे से बनाने लगी, फिर क्या पता फिर मुझसे ही हमेशा चाय बनाती रहेंगी। एंड हाँ, आप में से बहुत लोग मुझसे मेरे जो चीज़ों के रिकमेंडेशंस मांगते रहते हो, पूछ रहे तो कहाँ से खरीदा है, कब के लिंक दे दो। लास्ट वाला कप जो मेरा ख़राब हो चुका था तो मैं ये विशाल मेगा मार्ट से लेके आई थी, इट कॉस्टेड मी ओनली 100 रुपीज़, और इसके साथ ना ढक्कन भी आता है सो दैट यू कैन कवर इट अप। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर इट अगर आपके इधर में मिलता होगा विशाल मेगा मार्ट में। तो उसके बाद मुझे करना था रिवीजन सेशन स्टार्ट, क्योंकि मैं अभी जो टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ उसमें मैं सुबह को जो प्रीवियस डे मैं पढ़ के रखती हूँ अगर नए चीज़ें, तो मैं उनको सुबह को उठ के रिवाइज कर लेती हूँ 2 घंटे के सेशंस में या फिर जितना टाइम परमिट करता है। एंड फिर दोपहर का जो टाइम होता है मैं अलॉट करती हूँ टू गो थ्रू द थिंग्स जो जिनमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता है या फिर मुझे ज़्यादा टाइम डेडिकेट करने की ज़रूरत है, जो कि मेरे वीक एरियाज है, जो इकोनॉमी में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं अभी वही कवर कर रही हूँ। और रात का जो सेशन होता है वो यूजुअली मेरा रिवीजन सेशन होता है, तो मैं पॉलिटी की रिवीजन कर रही हूँ साइड बाई साइड। और ना फिर मैं ये दाल चढ़ा के गई थी, मैं सोचा दाल बॉयल होने रख देती हूँ फिर पढ़ने चले जाऊँगी, बट मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हो रही हूँ कि मैं इसका ढक्कन लगाना भूल गई और ये पूरा बाहर आ गया, तो मुझे फिर से इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब आप अकेले रह रहे होते हो। फिर से उसको थोड़ा सा बहुत साफ़ करके उसको प्रेशर कुकर को चढ़ा के गैस पे आई वॉज बैक अगेन, और फिर मैं फिर से कर रही थी पॉलिटिक की रिवीजन, क्योंकि आज मुझे ऑलमोस्ट 7 to 8 चैप्टर्स की रिवीजन कंप्लीट करने हैं। और पीवाई की आज सॉल्व नहीं करूँगी, वो कल सॉल्व करूँगी, क्योंकि आज बहुत देर पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी लग रहा है। आज का जो सीसेट का स्लॉट था वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि आज मेरे जो करंट अफेयर्स का सेशन था उसमें मेरा ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे चले गए थे, तो मैं सीसेट का वाला मैनेज नहीं कर पाई थी। तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। सो उसके बाद आई वॉज लाइक डन विथ माई डिनर, क्योंकि डिनर मैंने बना लिया था, दाल था बेसिकली, अचार एंड उसके बाद बस एक सिंपल सा ऑमलेट था। तो डिनर करने के बाद मैं सोचा चलो दो जो छोटे छोटे चैप्टर्स रह गए थे दैट वाज पार्लियामेंट्री सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर वाले, तो उनको भी थोड़े रिवाइज कर लिए एंड आई वाज डन फॉर द डे। सो आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग, तो मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में। तो आज का सेशन के लिए इतना ही था, आई होप आपको मोटिवेशन मिली होगी मेरे वीडियो से, और ऑल द बेस्ट जो कि अपकमिंग एग्जाम में देने वाले हो। सो या मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय।